हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 30 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस, जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी स्टेट दैट जीएसटी ऑन हज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 5% and this will significantly lower the airfare, thus saving Hajj pilgrims 113 crore rupees this year. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और यह इस वर्ष हज यात्रियों को 113 करोड़ रुपए को बचाने के लिए हवाई किराए को काफ़ी कम कर देगा। नेक्स्ट, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अनाउंस्ड जीवान संपर्क प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अमोंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द स्टेट। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के बीच राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड फर्स्ट टुलिप गार्डन विल कम अप ओवर 50 hectares ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन पिथरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 50 crore rupees। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑब्टेन्ड द सेंटर्स नोड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द गार्डन। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन 50 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ जिले में 50 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर आएगा। राज्य सरकार ने उद्यान के विकास के लिए केंद्र की मंजूरी प्राप्त की है। नेक्स्ट, ए 5.1 kilometer लॉन्ग केबल स्टेड अटल सेतु ऑन द मंडोवी रिवर इन गोवा ए थर्ड सच ब्रिज टू कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद नॉर्थ गोवा वाज ओपन्ड टू द पब्लिक बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। गोवा में मंडोवी नदी पर एक 5.1 kilometer लंबी केबल स्टेड अटल सेतु, जो राज्य की राजधानी को उत्तरी गोवा से जोड़ने के लिए तीसरा पुल है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता के लिए खोला था। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। सुमन कुमारी हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए सिविल जज इन पाकिस्तान आफ्टर पासिंग एन एग्जामिनेशन फॉर इंडक्शन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। नेक्स्ट, पूनम क्षेत्रपाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड रीजनल डायरेक्टर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया फॉर ए सेकेंड 5-year term। पूनम क्षेत्रपाल सिंह को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। इंडिया रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर बेस्ट इन शो एट द न्यू यॉर्क टाइम्स
ट्रेवल शो 2019, द लार्जेस्ट ट्रेवल शो इन नॉर्थ अमेरिका इंडिया वॉज ऑनर्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग बेल सेरेमनी एट द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 में भारत को बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यात्रा शो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग बेल समारोह के दौरान भारत को सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। इंडिया एंड चाइना हैव साइंड द प्रोटोकॉल फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन तंबाकू लीविज टू चाइना। द प्रोटोकॉल वाज साइंड ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप वाधवान टू बीजिंग। भारत और चीन ने चीन को भारतीय तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वाधवान की बीजिंग यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। इंडियाज कार्तिक शर्मा वॉन द न्यू साउथ वेल्स मैंस आर्मेचर गोल्फ चैंपियनशिप इन ऑस्ट्रेलिया। कार्तिक नोस्ट अप ए मैग्निफिकेंट विन ओवर ऑस्ट्रेलियाज नाथन बारबी इन द शेड्यूल्ड 36 होल फाइनल टू एमर्ज एज चैंपियन। भारत के कार्तिक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के नाथन बारबी पर निर्धारित 36 होल फाइनल में चैंपियन के रूप में उभरने के लिए शानदार जीत दर्ज की। नेक्स्ट नेपाल बैट्समैन रोहित पौडेल हैज बिकम द यंगेस्ट मेल क्रिकेटर टू स्कोर एन इंटरनेशनल 50 एट द एज ऑफ 16 ईयर एंड 146 डेज ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर्स प्रीवियस मार्क। नेपाल के बल्लेबाज रोहित पौडेल 16 साल और 146 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट रैंकिंग रिपोर्ट्स। इंडिया हैज रिप्लेस्ड जापान एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री वाई चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील अकाउंटिंग फॉर मोर देन 51% ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत ने जापान को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में प्रतिस्थापित किया है, जबकि चीन कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका उत्पादन 51% से अधिक है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ टूरिज। निधन। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस पास्ड अवे इन दिल्ली एट द एज ऑफ 88 ईयर्स ओल्ड। फर्नांडिस आल्सो सर्व्ड एज द रेलवे मिनिस्टर इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह गवर्नमेंट एंड ही इज आल्सो राज्यसभा मेंबर्स। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। फर्नांडिस ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें और यूवी कंपटीशन से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।